नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस के फैसले से पहले ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने डायरेक्ट सोनिया गांधी से संपर्क कर जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगा रखी है। लेकिन अब जो उद्धव सरकार में बवाल मचा है, उससे राजनीति के ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी कर दी है कि अब कांग्रेस का ग्रहण उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर निश्चित रूप से लगेगा। कांग्रेस राहुल गांधी की ताजपोशी करने जा रही है और इसी दौरान कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भूमिका पर बड़ा फैसला कर सकती है। एनसीपी शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दोनों पार्टियों के नेताओं में आपसी खटास कई बार नजर आ चुकी है। उद्धव सरकार में हो रहे भ्रष्टाचारों से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और ताजा मामला वीर सावरकर को लेकर के शिवसेना और कांग्रेस में खटास पैदा कर चुका है। दरअसल यूपी की विधान परिषद में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने से कांग्रेस ने विरोध जताते हुए बवाल मचाया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिवसेना पर भी कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। यूपी की विधान परिषद में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने विरोध प्रकट किया है और काफी ज्यादा बवाल भी वीर सावरकर को लेकर के मचाया है। अब क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के इस बवाल को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वीर सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना चुप रहेगी या फिर कांग्रेस को बड़ा सबक सिखाएगी? एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहले से ही कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकालने के लिए कई तरह की रणनीतियां बना चुके हैं, क्योंकि एनसीपी को बीएमसी चुनाव में भी इसका पूरा फायदा होगा। इसलिए शरद पवार कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन चल रहा है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर भी कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहले भी राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचाया था और अब यदि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से कांग्रेस को करारा जवाब वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर के नहीं दिया गया, तो यह साफ हो जाएगा कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे का वीर सावरकर से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। इसके अलावा बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने अन्वय नाइक और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बीच में जो जमीन सौदा हुआ था, उस घोटाले को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे पूरे के पूरे ठाकरे परिवार की नींद उड़ी हुई है। अन्वय नाइक से उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और वाइकर की पत्नी ने 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सिर्फ 2.10 करोड़ रुपए में खरीदा था और इस एग्रीमेंट में सिर्फ 10 लाख रुपए ही एडवांस दिए गए थे, बाकी पैसे बाद में चुकाए गए थे। सबसे पहला सवाल तो यही कि अन्वय नाइक की प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 4.5 करोड़ थी, उसको उद्धव ठाकरे की पत्नी ने 2.10 करोड़ में ही कैसे खरीद लिया और एडवांस में सिर्फ 10 लाख रुपए देने के बाद इस जमीन का जो कहीं ना कहीं कब्जा है वो उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गया, ऐसे कैसे हो गया? इस जमीन पर छोटे बड़े टोटल 19 बंगले फिलहाल बने हुए हैं, जिसका जिक्र उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के घोषणा पत्र में नहीं किया है और 2020 में इसे अपने नाम करवाया है। ये पूरी संपत्ति करीब करीब 10 करोड़ की थी, तो कैसे रश्मि ठाकरे को 2.10 करोड़ में ये मिल गई? एक प्रॉपर्टी के जानकार व्यक्ति ने जमीन का भाव पता होने के बावजूद आधी से भी कम कीमत में प्रॉपर्टी को बेच दिया था और सिर्फ 10 लाख रुपए में ही कब्जा है वो अन्वय नायक ने छोड़ दिया था। इस तरह के सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में उठने लगे हैं कि क्या अन्वय नायक पर किसी तरह का कोई दबाव शिवसेना का था, उद्धव ठाकरे का था, जिसकी वजह से 4.5 करोड़ की जमीन उन्होंने 2.10 करोड़ में ही बेच दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के दबाव में आकर के 2.5 करोड़ रुपए का घाटा अन्वय नायक को हुआ, जिसके बाद उन्होंने और अपनी माता उनकी माता ने सुसाइड भी कर लिया था, इस तरह की भी खबरें सामने आई थी। अब किरीट सोमैया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देश के सामने रखे हैं और उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। 19 बंगले इस जमीन पर बने हुए हैं, जिसकी कीमत लमसम 10 करोड़ के लगभग है और इस पूरे संपत्ति का जिक्र है वो चुनाव आयोग के घोषणा पत्र में उद्धव ठाकरे ने नहीं किया था और इसे बेनामी संपत्ति बना करके रखा और 2020 में इसे अपने नाम करवा लिया।
कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अन्वय नाइक और उद्धव ठाकरे परिवार के बीच में जो संबंध है वो इस खुलासे से सामने आ रहे हैं। और अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसके सारे डॉक्यूमेंट है वो देश के सामने रखते हुए नेशनल लेवल पर इसकी जांच करवाने को लेकर के केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है। यानी कि कहा जा सकता है अन्वय नाइक के सुसाइड केस में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा रहा था, रिपब्लिक टीवी को फंसाया जा रहा था, उस मामले में अब खुद उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके पूरे परिवार का कनेक्शन जुड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अन्वय नाइक पर जो दबाव बनाया हुआ था उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से, जिसकी वजह से आधी से भी कम कीमत में वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अन्वय नाइक ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को बेच दी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार जो एक से बढ़कर एक खुलासे किए जा रहे हैं घोटालों को लेकर के, उससे ठाकरे परिवार की समस्या तो बढ़ ही रही है, इसके साथ साथ उद्धव सरकार पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को उद्धव सरकार में हो रहे भ्रष्टाचारों से नफरत है और इसको लेकर के कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी में साफ कह चुके हैं कि उद्धव सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रही है उसमें कांग्रेस का कोई हिस्सेदारी नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है, जिसकी वजह से अब उद्धव सरकार से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। कुल मिलाकर के इस तरह की बात कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से बड़े खुलासे ठाकरे परिवार को लेकर के हुए हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर नजरें टिका ली है, क्योंकि उनके एफिडेविट में इस संपत्ति को लेकर के कोई जिक्र नहीं था और अब चुनाव आयोग का डंडा भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर चल सकता है और चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे पर संपत्ति छुपाने के मामले को लेकर के उनकी एमएलसी की सदस्यता है वो छीन भी सकता है। कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर चारों तरफ से संकट मंडरा रहे हैं। कहीं विधान यूपी की विधान परिषद में वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर के कांग्रेस बवाल मचा रही है तो उससे भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और कहीं ठाकरे परिवार और अन्वय नाइक के बीच में जो सौदे हुए हैं उसको लेकर के भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, और ऊपर से उद्धव सरकार में भ्रष्टाचारों की जड़ी लगी हुई है। कहीं संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत फंस रही है, कहीं 20,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हो रहा है, कहीं शरद पवार और पवार परिवार पूरी तरह से सहकारी बैंक के घोटाले को लेकर के ईडी की जांच रडार पर है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इन सब मुद्दों से तंग आकर के कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी अब उनके हाथों से खिसक सकती है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी की ताजपोशी के दौरान किस तरह का बड़ा फैसला ले सकती है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।